हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन वेल इनफ बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट फाइनली आउट हो चुकी है, बम्पर नंबर की सीट रहने वाली है। साथ ही साथ ये ऑल इंडिया के सभी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इसके बारे में डिटेल्स जानने के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। और अगर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको चाहिए, तो वो मैंने अपलोड किया है अपने टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से डिस्कशन की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि पहले ही बता दिया है कि RRB के अंदर टेक्नीशियन की पोस्ट पर वैकेंसी आउट हो चुकी है। टोटल पद कितना रहेगा इस बार देखिए, 9144, मतलब 10,000 के करीब सीट पर वैकेंसी आ चुकी है। दो टाइप के पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, दोनों ही ग्रुप सी के पोस्ट है। टेक्नीशियन ग्रेड वन सिग्नल के लिए 1092, मतलब 1092 सीट आपका रहेगा टेक्नीशियन ग्रेड वन सिग्नल के लिए। और टेक्नीशियन ग्रेड थ्री के लिए आपका 8052 सीट, मतलब इसका आपको सबसे ज़्यादा सीट, देखिए दोनों पोस्ट में ज़्यादा इधर रहने वाला है। आगे अगर बात करें कि अप्लाई की तिथि क्या होगी, तो आपका ये फॉर्म 9 मार्च यानी आज से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 8 अप्रैल, मतलब कि आपको 8 अप्रैल तक इंतजार नहीं करना है। अब फॉर्म जैसे ऑनलाइन हो रहा है, तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम फी क्या लिया जाएगा। जनरल OBC और EWS से लिया जाएगा 500 रुपीज़, और अदर जो भी कैटेगरी है सबसे 250 रुपीज़। SC ST हो गए, ऑल इंडिया के जो भी फीमेल कैंडिडेट हो गए, सबसे 250। ये फी आपका रिफंडेबल होता है। ये जो 500 है, आप जब CBT 1 का एग्ज़ाम देते हो उसके बाद रिफंड कर दिया जाता है। तो 500 में से आपका 390 रुपीज़, और जो कैंडिडेट 250 पेमेंट करेंगे उनका 250 का 250 पूरा वापस आ जाएगा, ठीक है। अब बता दूं कि ऑफिशियली आपका एग्जाम कैलेंडर भी रेलवे ने रिलीज किया है, जिसमें बताया गया है कि इस जो टेक्नीशियन का जो पोस्ट का एग्जाम होगा CBT 1 का, अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपका अरेंज करा लिया जाएगा। चलिए आगे समझ लेते हैं दोनों पोस्ट के लिए एज की क्या लिमिट रहेगी। पहले तो ये देख लेते हैं किस तिथि से एज की गणना की जाएगी। एज ऑन 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 के अनुसार टेक्नीशियन ग्रेड वन सिग्नल के लिए 18 वर्ष से 36 वर्ष के कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे। देखिए, बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 1988 से लेके 1 जुलाई 2006 के बीच में जिनका भी जन्म हुआ, सभी कैंडिडेट इलिजिबल हैं। फॉर टेक्नीशियन ग्रेड थ्री 18 to 33, मतलब 18 से 33 वर्ष के कैंडिडेट, बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 1991 से लेके जो भी 1 जुलाई 2006 के बीच में जिनका भी बर्थ हुआ, सभी कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे। आई होप कि ये वाला पोर्शन तो आप समझ गए होंगे। साथ ही साथ आपको पता है एज में रिलैक्सेशन मिलता है OBC को 3 ईयर्स का और SC ST को 5 ईयर्स का, तो वो रिलैक्सेशन भी यहाँ दिया जाएगा। अब बात कर ले कि मेजर पोर्शन जो कि होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बहुत टाइम से इस पे चल रहा था कि क्या सिर्फ 10th+ ITI वाले भर पाएंगे, तो एजुकेशन का क्राइटेरिया थोड़ा इस बार बदल के आया है। आइए मैं समझा देती हूँ। टेक्नीशियन ग्रेड थ्री के लिए 10th+ ITI जिन्होंने कर रखा है वो भी इलिजिबल है, या फिर जिन्होंने 12th में फिजिक्स और मैथ एज ए सब्जेक्ट लिया था वो भी कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे। और जो टेक्नीशियन ग्रेड वन सिग्नल के लिए, उसका क्वालिफिकेशन थोड़ा हायर लेवल का है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, BTEC इंजीनियरिंग से डिप्लोमा, या फिर BSc इंजीनियरिंग डिग्री जिनके पास भी है, वो सब कैंडिडेट इलिजिबल होंगे। तो तीन तरह का है, दो तरह के पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं कि सिलेक्शन आपका किस किस स्टेज से गुजरने के बाद होगा। सिंपली 3 स्टेज आपको यहाँ पर पास करना होगा। फर्स्ट स्टेज पर ऑनलाइन CBT, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, ऑनलाइन एग्जाम होगी, जिसको क्वालिफाई कर लोगे तो DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहले आपको बता देती हूँ दोनों पोस्ट का क्या एग्जाम पैटर्न होगा।
टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्जाम पैटर्न है, आपको पहले ही बताया कि ऑनलाइन पेपर होगा, उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के लिए, पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलता है। टाइम जो है 90 मिनट यानी डेढ़ घंटे का एग्जाम होता है। निगेटिव मार्किंग 1/3 करेगा, सो बी अवेयर, जिसपे डाउट लगे उसको टिक ना करे, थोड़ा ध्यान पूर्वक इसको बनाए। चलिए विषय वाइज अगर बात करूं तो 4 सब्जेक्ट से आपका यहाँ पर रहेगा। मैथ के होंगे 25 यानी 25 प्रश्न, रीजनिंग से भी 25 प्रश्न रहेगा, साइंस का आपका मेजर पोर्शन रहेगा कवर, देखिए 40 क्वेश्चन साइंस से रहेगा, फिर जीके के 10 क्वेश्चन, तो ओवरऑल बात करूं तो 50 क्वेश्चन तो आपका जीके प्लस साइंस से रहने वाला है, तो मेजर फोकस थोड़ा उस साइड ही रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स ये आपका एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो फिर क्या होगा, डीवीएन मेडिकल होगा। चलिए देख लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का क्या एग्जाम पैटर्न है। पता है आपको कि हायर लेवल एजुकेशन है तो थोड़ा सा इसका एग्जाम लेवल भी हायर लेवल का होगा। देखिए ऑनलाइन पेपर इसका भी होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के लिए, और समय 90 मिनट मतलब डेढ़ घंटे का एग्जाम होगा। निगेटिव मार्किंग इसमें भी 1/3 का है। अब अगर विषय वाइज देखें तो जीके से 10 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग से आपको 15 यानी 15 प्रश्न होंगे, कंप्यूटर से 20 प्रश्न होंगे, मैथ से 20 प्रश्न, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 35 क्वेश्चंस होंगे। सो दिस इज ओवरऑल एग्जाम पैटर्न फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल। और फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम का सेंटर कहाँ होगा, तो देखिए वैकेंसी जोन वाइज आया है, वो आप नोटिफिकेशन में अच्छे से देखिएगा, और जिस जोन के लिए अप्लाई करेंगे उसी जोन में एग्जाम सेंटर देगा। मान लीजिए कि आपने अपने होम जोन के लिए किया है तो आपके नियर बाय सेंटर पर ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब रही बात कि आपको कहाँ पर ज्वाइनिंग होगी, पहले ही बताया ऑल ओवर इंडिया के लिए आई है, लेकिन जोन वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जिस जोन का आप अप्लाई करोगे उसी जोन में अलग अलग जगहों पर आपको सर्व करना पड़ सकता है। सर्व करेंगे तो कुछ सैलरी भी दी जाती है, आइए मैं बता देती हूँ। योर स्टार्टिंग सैलरी विल बी 19,900 रुपीज, मतलब 20,000 से शुरुआत होती है। आफ्टर पर्क्स एंड अलाउंसेस आपकी सैलरी 63,200 रुपीज हो जाती है, मतलब अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है, 65,000 के करीब सैलरी कमाने का आपको मौका मिल सकता है। पता है कि पहले से आप सभी तैयारी में लगे हुए थे, बट स्पीड को थोड़ा बूस्ट करिए क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। इस वर्ष बहुत सारे ऐसे वैकेंसी आएंगे और रेलवे की तरफ से भी आने वाली है ढेर सारी, तो तैयारी में लगे रहिए। और आई होप, आशा करती हूँ जो भी मैंने आपको बताया है सभी कुछ डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। कहीं पर भी अभी डाउट रह गया हो, मन में कुछ क्वेश्चन है इस पोस्ट के रिगार्डिंग, तो कमेंट करिएगा, मैं वहां पे क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो, तो एक लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।